हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शकरकंदी की चाट बनाने की जो रेसिपी है उसे शेयर करने वाली हूँ। आपने कई बार शकरकंदी का हलवा बनाकर खाया होगा, इसकी सब्जी भी बनाकर खाई होगी और आपने इसे ऐसे भी भूनकर या उबालकर खाया होगा, लेकिन आज हम इसकी बहुत ही स्वादिष्ट चाट बनाने वाले हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले ली है शकरकंदी। तो मैंने इनको अच्छे से बॉईल कर लिया था, बिना पानी के हमने इसे बॉईल किया है, क्योंकि पानी डालकर करते हैं ना तो इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बिना पानी के जो शकरकंदी को हम बॉईल करते हैं ना, तो इसकी जो वीडियो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो इसको हमने अच्छे से छील कर, यानी कि इसका जो छिलका था उसको निकाल दिया है और इसको हमने कट कर लिया है इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में। और एक हम बाउल ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे जो हमने शकरकंदी को काट कर रखा था ना, वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे थोड़ा सा काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, और साथ ही हम यहाँ पर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला और साथ ही थोड़ी सी चटपटा बनाने के लिए हम इसमें लाल मिर्च ऐड कर देंगे। और साथ ही हम यहाँ पर लेंगे आधा नींबू और नींबू को हम इस तरह से इसमें निचोड़ देंगे। बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो चाट है बनकर तैयार हो जाती है। काफ़ी जगहों पर आपने देखा होगा, मार्केट में जाते हैं तब भी आपने खाया होगा, बहुत ही टेस्टी चाट बनकर तैयार होती है। और विंटर्स में तो ऐसी चीज़ों को खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। बस घर में बैठकर इस तरह की चीज़ें बनाकर खाते रहिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हमारी जो चाट है वो बनकर तैयार हो चुकी है। साथ ही हम इसे गार्निश कर देंगे थोड़े से हरे धनिए से। वाओ, कितनी मज़ेदार, बहुत ही टेम्प्टिंग और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट हमारी चाट बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर से बनाइए और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइज़, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।